भाग हुआ रब है भाग भाग। अब हम लोगों के बीच दोस्तों जो मैंने कहा था वो आ चुके हैं, आप लोगों की ताले के बीच में बुलाना चाहूंगा उन्हें। वो आए उससे पहले बताना चाहूंगा, छोटी सी उम्र में ही अपनी गायकी से लोगों का दिल जीत लिया था उन्होंने। सफलता के शिखर पर इस तरह से बढ़े कि सबसे पहले पहुंचे सारे गावा पा में और वहां से रुख किया इंडियन आइडल की ओर। चाहे गजल की बात हो और चाहे बॉलीवुड के मस्ती भरे गीतों की बात हो, हर तरीके के गीत को वो गाते हैं। सोनू निगम, सुरेश वाडकर, फराह खान और अनु मलिक जैसे कई बॉलीवुड के हस्तियां हैं जो इनकी आवाज सुनकर उनके दीवाने हो गए थे जब पहली मर्तबा इन्होंने गाया था। वो बात जो मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में कही थी कि जब पहली मर्तबा इन्होंने फेसबुक पर गाकर अपना गाना अपलोड किया तो सोनू निगम ने उस गाने को सुनकर इन्हें अपने घर आने का न्योता दिया था और घर पे बुलाकर उन्हें पारितोषिक दिया और उन्हें अपना आशीर्वचन दिया, आशीर्वाद दिया। ऐश्वर्या कॉलेज परिवार स्वागत करती है पीयूष पवार का। तो मैं चाहूंगा जोरदार ताली के बीच हमारे साथ जुड़े। यार ये ताली जोरदार नहीं होगी जब तक पीयूष आएगा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमारे पीछे खड़ा है वो बंदा, हमारे लिए मुंबई से चल के आया है। अगर कोई मुंबई से आया है तो उसको इतनी ताली तो सुनने में आनी चाहिए। पीयूष मेरी आवाज सुन रहे हैं? पीयूष भाई आवाज सुन रहे हो? पाली वाले मान नहीं रहे, आवाज सुन रहे हैं पीयूष जी या नहीं? पीयूष जी आवाज सुन रहे हैं? पीयूष भाई सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। अब तो तालियां बनती है दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा आ रहे हैं, आ रहे का दौड़ शायद लंबा हो लेकिन अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई है। मैं चाहूंगा ये पर्दा हम लोग खोले क्योंकि पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो पीयूष मेरा नाम नहीं है। आप लोगों के बीच जोरदार ताले के साथ स्वागत करेंगे हम लोग। ऐश्वर्या कॉलेज पाली स्वागत करती है सुरों के मसीहा, सुरों के सौदागर पीयूष का जोरदार ताले के साथ स्वागत। अब पर्दा खोल भी दो भाई साहब, जोरदार तालियां। एक उभरता सितारा यंग एंड हैंडसम पीयूष पवार। सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। एंड रियली वेरी सॉरी कि थोड़ा सा लेट हो गया हमें आते आते। मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए आपको पहले एक गाना सुनाता हूँ ताकि आप सभी लोगों का मूड थोड़ा ठीक हो जाए। एंड दिस इज माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, इट्स कॉल्ड सरप्राइज। बहुत अच्छा गाना है ये एंड आप सभी लोगों को बहुत मजा आने वाला है। बट शर्त एक ही है कि जिन जिनको ये गाना आता है वो थोड़ा थोड़ा साथ में गुनगुनाएंगे एंड प्लीज पहले तालियां बजाएंगे। थैंक यू। Yeah.
नापी है मुट्ठी भर जमी आपने आगे सारा आसमान बाकी है। अगले पायदान पे चूंकि सब विद्यार्थी भी ये चाह रहे थे कि जब आएंगे इनके सामने हम लोग नृत्य करके दिखाएंगे। आप लोगों के बीच आ रहे हैं कृष्ण फॉर्मेशन यानी कि कृष्ण की जो अवतार है। सर मैं आप लोगों को बताना चाहूं कृष्ण के जितने भी अवतार हैं उन सभी अवतारों को आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं ऐश्वर्य कॉलेज पाली के सभी विद्यार्थी। जिस तरीके से बहुत देर से मैं देख पा रहा हूँ ये अपना मेकअप तैयार किए हुए मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम ऑफ द इवनिंग होना चाहिए। कृष्णा फॉर्मेशन जोरदार ताले के साथ स्वागत करते हैं ऐश्वर्य कॉलेज के सभी विद्यार्थी लेकर आएंगे कृष्णा फॉर्मेशन सॉन्ग। भाई ये तो गलत बात है यार, पीयूष शायद ताली नहीं बजा पाए। पीयूष के लिए तो तालियां बजाते हो और आपके खुद के पाली के बच्चे नाचना चाहते हैं उसके लिए प्लीज। हाँ तो ये बात शक्ति सिंह जी हमारे तक पहुंचाती है कि बच्चों को भी हम परफॉर्म करवाएं, लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है तो शुरुआत को
अंजाम तक नहीं दे, आगाज तक दे। एक बार फिर आप लोगों के बीच रहेंगे पीयूष, जोरदार तालियां हो जाए आपके दोस्तों। और पीयूष से मेरी गुजारिश है कि इस बार आप मंच ना छोड़े प्लीज, और मंच पे बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर हमारे साथ होंगे सिंगर पीयूष। बड़ी छोटी उम्र में इन्होंने अपने गायकी की प्रतिभा का लोहा मनवाया है।